नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। मामला थाना कुमारगंज जिला अयोध्या से जुड़ा है कि विगत दिनों में रायबरेली फैजाबाद रोड का चौड़ीकरण को लेकर कार्यदायी संस्था पीएनसी और प्रशासन तथा थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा मकान मालिकों को जबरन थाने में ले जाकर नजर बंद करके मकान तोड़वा दिया गया। जहां पर योगी सरकार माफियाओं का अधिग्रहण कर रही है, वहीं यहां पर प्रशासन और कार्यदायी संस्था जबरन नजर बंद करके व्यापारियों का मकान बिना मुआवजा दिए ही गिरा दे रही है, जिसके फरियाद न प्रशासन सुनने के लिए तैयार है और न ही कोई सरकार। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए शिव पूजन सिंह की खास रिपोर्ट फैजाबाद से। मैं मनीष गुप्ता, श्री बैजनाथ क्लॉथ हाउस, शिवनाथपुर, कुमारगंज। कल दिनांक 24/8/2021 दिन मंगलवार को दिन में SDM साहब श्री दिग्विजय सिंह, SHO कुमारगंज श्री संतोष कुमार सिंह, NHI के कर्मचारी श्री विकल्प सिंह, PNC के तमाम कर्मचारी व समस्त पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मेरा मकान बगैर कोई मुआवजा दिए हुए, बगैर कोई पूर्व सूचना के, बगैर कोई नोटिस दिए हुए तोड़ दिया गया, जिसका मुकदमा भी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ लंबित है। मेरे तमाम बार विरोध करने के बावजूद ना मेरी कोई बातचीत सुनी गई। मैं आराम से अपनी बातें कह रहा था, फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और मुझे धकियाते हुए ले जा करके थाने में नज़रबंद कर दिया गया, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं।